पूरा सम्मेलन करने के पीछे एक मकसद है कि यहां पर बहुत सारे गांव में, बहुत सारे गांव में हमारे बच्चों ने चमत्कार किया है। बाल पंचायत के ये बच्चे बैठे हैं, गांव में इन्होंने बाल पंचायत बनाई है। जैसे संसद के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी तरह बाल पंचायत के चुनाव कराए गए। और बाल पंचायत के चुनाव में जो सीख इन्होंने सीखी है वो आपको बताएंगे। और आप अपने दिल पे सोचो आज बैठकर, हमने आपको निमंत्रित इसलिए किया है, हम तो किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते, ना पार्टी का विरोध करते ना समर्थन करते, हमारे लिए बच्चे ही भगवान हैं, हमारे लिए बच्चे ही नेता हैं, यही भविष्य है हमारे देश के और यही वर्तमान है हमारे देश के। भले ही ये बच्चे हमारे अपने बच्चे नहीं है, तुम में से बहुतों के बच्चे हैं जो मंच पर बैठे, जो यहां गांव से हमारी बेटियां आई हैं, बैठी हैं, वो मेरे और मेरी पत्नी के यहां पैदा नहीं हुए, लेकिन तब भी हम बहुत तुम लोगों को प्यार और इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा उज्ज्वल हो जाए। और तुम में जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उससे बड़े लोग भी सीख सकें। जो मेहनत करके ईमानदारी से तुम लोगों ने बाल पंचायतों में हासिल किया है, भारत की संसद भी उसे हासिल कर सके। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सारे बच्चे ईमानदार हैं कि नहीं है?